नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित तिवारी। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करना होगा, साथ ही आपकी पूरी डिटेल्स बतानी होगी, जन्म में आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान शामिल है। तो चलिए देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है आपके भविष्य के बारे में। गुडलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करें। साथ ही साथ जानेंगे दरिद्रता को दूर करने वाला, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, कुबेर का आशीर्वाद दिलाने वाला एक महामंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जितना समझ रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, चुनौतियां उससे भी ज्यादा कठिन हो सकती हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत ज्यादा करनी होगी आपको। साथ साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको अनाथाश्रम में दवाइयों का दान करना है, फलों का दान करना है। सतर्क होकर काम में जुड़ जाइए, मगर नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। अक्सर जब हम सतर्क नहीं रहते हैं तो कुछ भी गलती कर जाते हैं। तो जब आप किसी काम पे बैठे हैं तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वर्क ओनली, तभी जीवन में आप सफलता हासिल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आप सबके लिए एक संदेश देना चाह रहा हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अनुशासन, आत्मसम्मान, ये दोनों चीज़ें आपके लिए खास रहेंगी। आपकी उन्नति के लिए नए अवसर तलाशने की पूरी कोशिश कीजिए। यू हैव टू पुट द मोर एफर्ट्स टू गेट द सक्सेस इन द लाइफ। चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है मिथुन राशि। आज कोई बात कहने में, रखने में, सुनने में, बोलने में पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। और इफ यू आर गोइंग फॉर बिग डिसीजन तो कंसल्ट कीजिए, किसी से सलाह लीजिए। आने वाले दिनों में करने वाले कामों की जो प्लानिंग है अच्छे से बना लीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल कर दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, संगीता जी हैं अजमेर से, जो कि अपनी पुत्री दिव्या के लिए जानना चाहती हैं। दिव्या की जन्म की तारीख है 26/2/2001 और जन्म का समय इनका दोपहर का 1:40 का। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ सर, मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, साइंस लेना चाहती है अभी। संगीता जी, हमने इस बच्ची के बारे में आपको पहले भी बताया था, इस बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है। अगर ये साइंस लेना चाहती है, टेक्निकल लाइन में जाना चाहती है, तो शी कैन गो, जा सकती है टेक्निकल लाइन में। इसकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, शनि मित्र राशि में बैठा है, बुध की मां दशा चल रही है, रेवती नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होती है। आशा करता हूँ आपने पूजा करा ली होगी। कुंडली बहुत अच्छी है, तरक्की करेगी बच्ची, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि राहु इसके दिमाग में बैठा है तो देर विल बी सम लॉट कन्फ्यूजन पार्ट, मतलब दिमाग में अनस्टेबिलिटी रहेगी। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करें और साइंस में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, किसी भी सब्जेक्ट में बच्ची जा सकती है, सफलता इसको मिलेगी।
हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ हमेशा रहेगा। इसको बोलिए, एक तो देखिए, इफ यू गेट द सक्सेस इन द कंपटीशन एग्जामिनेशन, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो पीएमटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो भी कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में अगर सक्सेस चाहिए तो गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। सुबह शाम गायत्री मंत्र का 11, 21, 51, 108 बार जो जाप करता है, हर कंपटीशन में उसको सफलता प्राप्त होती है। तो बच्चे को बोलिए गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आप पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भुवनेश्वर है अजमेर से, जो कि अपनी भतीजी के लिए जानना चाहते हैं। इनकी भतीजी की जन्म की तारीख है 15/10/1987 और जन्म का जो समय है वो है सुबह का 5:35 का। भुवनेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, ये बच्ची का संयोग नहीं बन रहा है शादी का, तो ये बनते बनते कई रिश्ते देखे पर बिगड़ जाते हैं। जी देखिए भुवनेश्वर जी, बच्ची हेमा जो है, हेमलता, इसकी जन्म कुंडली वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी उत्तम कोटि की जन्म कुंडली, मांगलिक बच्ची है और बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन इसके फाइनेंशियल हाउस में बैठा है, जिस घर में जाएगी लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। बुध की बादशाह और सूर्य का अंतर इस बच्ची को चल रहा है। जहाँ तक हमें लगता है कि इसके विवाह का योग जो है, इस वर्ष के अंत तक नवंबर के आसपास में इसका विवाह का योग बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है, इसके दाम्पत्य घर में, विवाह के घर के अंदर जो है वो राहु बैठा है और वहाँ का जो मालिक है गुरु, वो मृत्यु स्थान में जाके बैठ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी नेगेटिव युति है जिसके कारण या तो विवाह हो नहीं, और विवाह हो जाए तो विवाह सक्सेस नहीं हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करना है, एक तो इसको बोली नियमित रूप से केले के पौधे की पूजा अवश्य कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना, खाली विष्णु का जो मंत्र है, महामंत्र है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, खाली इतने से ही, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, सालिग्राम की आराधना करें, घर में सालिग्राम रखें, सालिग्राम की पूजा अर्चना करें, केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएं, परिक्रमा करें, भगवान विष्णु के मंत्र का ध्यान करते हुए इसी वर्ष के अंत तक में इसका विवाह होगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवा दीजिएगा एक बार इसके, और पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहां पर इसके नाम से चोला चढ़वा दीजिएगा, कम से कम 5 चोले चढ़वाइएगा, फटाफट इसका विवाह होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी हैं कोटा से, जो कि अपने पुत्र तन्मय के लिए जानना चाहते हैं। तन्मय की जन्म की तारीख है 15/5/1998 और उनके जन्म का समय है 2:03:15 का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। राजेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा बेटा सर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है बीकॉम में, उसको किस दिशा में भेजा जाए? देखिए राजेश जी, आपके बच्चा जो तन्मय है, 15 मई 1998 आफ्टरनून में 3:15 अच्छी कुंडली है इस बच्चे की, भाग्य स्थान का मालिक शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है, सूर्य की मादशा 7 साल की अभी 10 फरवरी से शुरू हुई है, इसी 10 फरवरी से पिछले महीने, और 2023 तक रहेगी। सूर्य इसके भाग्य स्थान में बैठा है, सूर्य जब भाग्य स्थान में बैठता है तो भाग्यशाली बनाता है। अब इस बच्चे की जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं, अगर ये कंपटीशन की तैयारी करे तो सक्सेस मिल सकती है, लॉ सेक्टर में भी जा सकता है, और अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो कंपटीशन गवर्नमेंट बैंक से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसके अंदर में भी इसको सक्सेस मिल सकती। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसकी जन्म कुंडली में बना सर्प दोष, सर्प दोष के कारण जो राहु है वो द्वादश भाव में बैठता है, व्यर्थ का अपमान अपयश करवाता है। संगत अच्छी रखे, अच्छी यारी दोस्ती रखे, संगत अच्छी रखे, दो जने लड़ रहे हों तो बीच में जाके पंचायती नहीं करे, पैसे का लेन देन नहीं करे, किसी की जमानत गारंटी नहीं करे। कालसर्प दोष की विधान से उज्जैन जाके पूजा करवाइएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है, इसकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनि मंगल की युति बनी है, हैवी मांगलिक है, बहुत भारी मांगलिक है ये लड़का, इसलिए जो इतने भारी मांगलिक होते हैं उनसे थोड़ा डर भी लगता है अगर वो राहु द्वादश भाव में बैठ जाए। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष मंगल शनि की शांति करवाइए, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से
अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, तो एक बार शनि मंगल की शांति जरूर करवा लीजिएगा योग्य आचार्य के निर्देशन में, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष, बाकी और सब कुछ अच्छा है। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, हमारे जो आज के कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं, जो भी काम करें आज वो लिमिट में कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा, केयरफुली कीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है, आज सपोज मान लो आपके सामने कोई समस्या आती है, तो आज के दिन समझदारी इसमें है कि समझौता कर लीजिएगा, या बीच की कोई पतली गली दिख जाए तो उसमें से निकल जाइएगा, संकोच मत कीजिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा। अगली जो राशि है सिंह राशि, सिंह राशि वाले जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो दर्शक हैं, कोई नया काम हाथ में लेने से पहले जो ऑलरेडी आपके हाथ में काम है उसको फिनिश कर दीजिए, और आज के दिन उतना ही काम हाथ में लीजिएगा जितना आप कर सकते हो, और दूसरों के ऊपर भरोसा करने की बजाय खुद के ऊपर आज भरोसा कीजिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि कन्या राशि, कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आज खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत सारी नई प्लानिंग के ऊपर वर्क करवा सकता है। ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है जो मौजूदा काम की तुलना में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। इस मन को खुला रखिएगा, ये मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उलझन से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मचाएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।